सफर शुरू करते हैं। हाँ, तो आज आप कहाँ की सैर करना चाहेंगे? क्योंकि हम तो मॉल की कर रहे हैं कि तो आपको भी मॉल की करा देते हैं। आज हम दिखाएंगे आपको मॉल, यहाँ की शॉप्स, अच्छी अच्छी शॉप्स। मेरे को तो कुछ लेना नहीं है, भाई जो साथ आए हैं उन्हें कुछ लेना है, वो लेना है, जीन्स लेनी है उन्हें, कोई रिप्स ही लेनी है, और क्या लेना है भाई? शूज़ लेने हैं। शूज़ लेंगे तो फिर हमारा भी मन बदल सकता है। वो तो अब हम चेक करेंगे ज़ारा वारा में जाके कि कहाँ पर कुछ अच्छा मिल रहा है। यहाँ पर नाइकी भी, कौन से वाले आ गए? नाइकी का शोरूम है, अच्छा है, बट प्रोडक्ट अच्छे नहीं मिलते, वो बस बड़ा बड़ा है यहाँ पे, वो हम दिखाई देंगे आपको। एक्चुअली अभी एंट्रेंस हुई थी तो वहाँ पे एंट्री में बोला कि मास्क कहाँ है, तो मास्क मिला नहीं मुझे, अब वो मास्क लेना पड़ेगा मुझे कहीं से, तो मैं मास्क लेने जा रहा हूँ सिटी मार्केट में, सुपर मार्केट में, वहाँ पर मास्क मिल जाता आराम से। बस वहीं जाते हैं, एक बार मास्क उठा लेते हैं और फिर शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। भाई लेंगे, भाई को देख के हमारा मन कर गया तो हम भी ले लेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। Few moments later. आजा। ये कैसे भाई? ठीक लग रहे हैं। तो जो डर था वही हुआ, लेना भाई को था और ले मैंने लिया। अभी तो फर्स्ट चीज़ मैंने ली है, सबसे पहले मैंने लेनी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी मुझे टी शर्ट, लेकिन सही प्राइस में सही मिल रही थी तो ले ली यार। ये मन भी बड़ा ना लालची हो चुका है बिल्कुल ही, इसलिए मैं बाहर नहीं आता ज़्यादा, फालतू में कुछ ना कुछ तो उठा ही लेता हूँ। अब देखना, अब नेक्स्ट हम जाएंगे ज़ारा में तो वहाँ पर भी पक्का कुछ ना कुछ ले ही लूँगा मैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बट काश ना लूं तो ये अच्छा होगा मेरे लिए। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। यहाँ का ये ज़ारा है जो आप देख सकते हैं, बस ये सामने तो है लड़कियों वाला ज़ारा और साइड में है हमारा बॉयज़ का। जैसे हर जगह सेपरेटेड होते हैं, यहाँ पे भी अलग अलग से डिवाइडेड है। ये है यहाँ का ज़ारा मेनली, देख सकते हैं। ये जैकेट तो मेरे पास है, सेम यही जैकेट है मेरे पास। हम ट्राई कर रहे हैं कुछ मिल जाए अच्छा सा। ये जैकेट था अपने पास, देख सकते हैं ज़ारा। One eternity later. ये भाई ने फाइनली कुछ ना कुछ ट्राई किया आज तो। भाई बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहे हैं जैसे पढ़ाकू हैं, एक्चुअली इनका एग्ज़ाम भी है तो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। खैर, तो अभी क्या हुआ कि मैंने मास्क नहीं पहन रखा था, तो एंट्रेंस पे ही कहते हैं कि मास्क कहाँ है, तो मैं कहता हूँ मास्क तो मैं नीचे गिर गया मेरा, तो वो कहते हैं कि ठीक है। फिर मैं थोड़ा हम कुछ घूमने लगे, फिर से वो कहते कि मास्क, मैं कहा भैया मास्क तो लाना ही पड़ेगा, कितने ही बहाने लगा लूँ मास्क तो चाहिए होगा। तो अब मैं लेकर आया मास्क और अब इन्होंने अच्छे से एंट्री करी है और स्माइल करते हुए एंट्री करी है, तो अब मास्क लगा के रहना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं रिसेंटली, तो अब तुम्हारा भाई आ गया इन मास्क। सो फाइनली डिसाइडेड कि मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, बस भाई ले रहे हैं, वो भी टी शर्ट ट्राई कर रहे हैं, अभी निकल रहे हैं तो एक सेकेंड साइज़ देखना है। वैसे तो डिसाइडेड है कि टी शर्ट लेनी है भाई को, तो बस साइज़ है वो देख रहे हैं अभी चेक करके। ये लग रहे हैं एकदम हीरो एक्टर, एकदम बहुत सही है, यही ले लो। हाँ, तो भाई ने भी ले लिया है सामान अपने लिए, टी शर्ट लिए है और भाई ने लिया है अपने लिए जैकेट, और हमने उतार दिया ये मास्क जिसमें कि सांस ही नहीं आ रही थी बिल्कुल, और मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है, तो अपन ने तो उतार दिया। पता है ये तो मैं इंडिया वाले होते भी इतने ज़िद्दी हैं कि कहाँ सुनते इतनी ज़्यादा, है ना, तो मैंने तो जल्दी से निकाल दिया। सो गया बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ जी। अब हम चले हैं फूड कोर्ट की तरफ। ये है फूड कोर्ट यहाँ का, जैसे इंडिया में भी होता है सेम वैसे ही है, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा सब कुछ खा सकते हैं, KFC वगैरह है। यहाँ तो बैठे बैठे परेशान हो गए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया हमें। एक तो यहाँ पे वेजिटेरियन इतना कम होता है ना, तो मुझे तो वेजिटेरियन खाना होता है, और भाई को नॉन वेज भी खा सकते, वेजिटेरियन भी, और भाई मेरे पे रिलाया कर रहे हैं कि जो तू खाएगा वही मैं खाऊँगा, तो
वेजिटेरियन में KFC में मिल रहा था वही वेज रोल या वेज रैप। और यहाँ पे ताशीर पिज़्ज़ा है, उसमें हम अभी गए थे 2 दिन पहले कटिंग कराने गए जब। और मतलब कुछ खास नहीं है, नॉन वेज में बहुत सारी वेराइटी है। लेकिन सो हमने अब डिसाइड किया कि अब हम पिज़्ज़ा निनी है जो आप पहले भी आप देख चुके हैं उसमें जा रहे हैं वापस। वहाँ पे हम अपना पेट भर के खा सकते हैं अपना और मस्त मज़ा जाएंगे। तो हमने टैक्सी करा दिया वहाँ की, अब वहीं खाएंगे जो खाएंगे और वहाँ से देखते कहाँ जाएंगे। और शेक पीने का तो बहुत मन है, तो आज शेक तो ज़रूर पी के जाऊँगा और कोई अच्छा शेक। हाँ तो हम वहीं आ गए हैं जहाँ पे हमारा पेट भर सकता है और जहाँ हमें नॉर्मली आना होता है, पिज़्ज़ा निन्नी, क्योंकि यहीं है जो हमारे दिल की सुनता है, हमारे मन का जो भेद जान सकता है, वो है पिज़्ज़ा निन्नी। क्योंकि यहाँ का पिज़्ज़ा इज़ लाइक नाइस, इट्स लाइक वाओ, एकदम डोमिनोज वाला टेस्ट है यहाँ पे। तो अपने इंडिया की भी आदत पूरी हो जाती है। नेक्स्ट डे। हाँ तो दोस्तों, नया दिन, कल का दिन, तो दिन तो क्या, कल की तो रात थी जो कि बीत गई है। अब देख सकते हैं धूप निकल रही है, सही मौसम हो रखा है मस्त। और हम चले जा रहे हैं एक बहुत स्पेशल जगह जो आपको अभी अब कुछ क्षणों में दिख जाएगी कितनी स्पेशल है। और ये हर्ष है जो हमें लेके आया है, और केक आउटलेट है, लोग बता देते हैं केक आउटलेट है जिसमें हम आए हैं। लेकिन लेकिन हर्ष हमें लेके आया और इसे कुछ ना पता, रास्ता पता है भाई, इसने गूगल मैप खोल लिया है और बताइए कहाँ है। बहुत सुंदर सा केक है, पिस्टाचियो वाला, इन्होंने भी कहा है बहुत अच्छा केक है, लेना चाहिए, तो हमने ले लिया। ये हम अब इनको दिखा रहे हैं टुडे। तो ये केक आज ही बना, हमने ये पूछना था कि कब बना है। और ये डिफरेंट पेस्ट्रीज देख सकते हैं आप, मस्त मस्त लाजवाब। दोस्तों तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ा केक, जो कि यहाँ वेडिंग के लिए हो सकता है, पता नहीं किसके लिए है, बट बहुत तगड़ा केक। तो हमने ले लिया एक बेहतरीन सा केक, जो कि एक दोस्त था उसके बर्थडे पे हम काटेंगे अभी उसके रूम में। और जैसे कि आपको पता है कि हम 2 केक लेते हैं, तो अब दूसरे केक की तैयारी है, अब दूसरे केक लेने जा रहे हैं हम दूसरी जगह पे, वो भी आपको दिखाई देंगे। ये तो आपने देख ही लिया होगा क्या बेहतरीन केक लिया है पिस्टाचियो वाला। बस अब तो वेट है कि इसका टेस्ट कब करेंगे हम। फ्लेवर तो पता लग गया लेकिन टेस्ट का नहीं पता लगा, तो बस कुछ क्षणों में, थोड़े घंटों में हम कर लेंगे टेस्ट इसे भी। फिलहाल तो हम जा रहे हैं दूसरी शॉप पे जहाँ से हम एक दूसरा केक लेंगे, जो कि सबके लिए होता है सामूहिक केक, वो केक भी आपको दिखाएंगे। चलते चलते हम तो पहुंच गए एक पार्क में, क्या नाम है इस पार्क का, जैतून पार्क, जो जगह वही पार्क जिस जगह में हम जैतून में वही पार्क बन गए। ये हमारा एक टीचर था केमिस्ट्री, कौन सी जनरल केमिस्ट्री का, आकाश इंस्टीट्यूट में हमारे टीचर थे केमिस्ट्री के, यार नाम नहीं बताएंगे वो मतलब ऐसे बोलते थे, तो उनकी थोड़ी आदत पड़ गई थी। बोल के दिखाऊं जी, तुम्हें म्यूजिक सिखा दूं क्या, तुम क्या कर रही हो, अरे पढ़ भी लिया करो कभी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब कुछ शॉपिंग चल रही है प्लेट्स की, केक किस में रखेंगे, प्लेट में, तो प्लेट ले लिए हैं। अब ग्लास लिए जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं ये सुपरमार्केट है।
केक शॉपिंग शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इतने सारे केक में से कौन सा केक लिया जाए। बहुत सारे, एक तो केक ले ही लिया हमने पहले से, बट एक और केक लेना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे आएंगे। तो फाइनली डन विद द केक, कोला भी ले लिया है और लेज लेने ना, लेज लेने थोड़ी बहुत उसके लिए। एक बार अंडे की ट्रे देखे, आ गए होंगे, आ गए। अंडों की बहुत छोटे चल रही है यहाँ पर, देखते हैं। Very bush. खुश हो रही है। इसका दोस्तों, इसका जन्मदिन है आज, ये खुशी खुश हो रही है। खुश होके दिखाओ हमें। सारे गुब्बारे सुनाए। हाँ हाँ हाँ, दोबारे बोल। निखिल ने सारे बलून सुनाए। हाँ, ये देख लो, शाबाश। ये भी तू ही लाया होगा, है ना? सब कुछ हमारी तरफ से, सब कुछ। हर्ष आजा, सब कुछ किसकी तरफ से है? हमारी तरफ से। मैंने भी कंट्री करी है अपने बर्थडे पे। हाँ, इसने केक खा के कंट्री करी है, ये देखो बर्थडे पे क्या क्या काम हो रहे हैं। हाँ, मुक्के मारी जा रही है इनसे, ये नहीं चल रहा। तेरे को लटकना भी है इसके। अबे यार, इसके लटके ना, तुझे लटकना है इसी का। यू कैन डू इट, कर दे काम। जा रहे। गया। लैंड हो गया। अभी ये जाएगा।